हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ सारा अली खान का ये कांस फेस्टिवल लुक, जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है फिलहाल। एंड वो पहली बार उनका डेब्यूट था, तो इसीलिए वो बहुत ही ट्रेंडिंग में है इनका ये लुक। एंड मैंने ट्राई किया है कि मैं काफ़ी सिमिलर सा लुक क्रिएट करने की कोशिश कर पाऊँ। सो येस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दिस वीडियो देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। तो फर्स्टली सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग मैंने ली है वो है सनस्क्रीन, बिकॉज ये गर्मी में सनस्क्रीन इज़ मस्ट। तो ये है डॉट एंड की सनस्क्रीन एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये वाटरमेलन फ्लेवर में है आई थिंक सो। एंड ये मेरी ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी लगी मुझे, बिकॉज मुझे ज़्यादा चिपचिपी क्रीमी सी क्रीम्स पसंद नहीं है सनस्क्रीन्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। तो मैं ओवरऑल फेस पे से पहले तो बहुत अच्छे से अप्लाई करके लूँगी। एंड देन मैंने लिया है प्राइमर, ये माइग्लैम का टिंटेड पोर प्राइमर है, जो पोर फिलिंग प्राइमर है। तो आपको अगर पोर ज़्यादा है, आपकी स्किन बहुत ऑयली है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंड ड्राई स्किन को ये थोड़ा ये ड्राई करेगा, बट अभी गर्मी के लिए ये परफेक्ट प्राइमर है। तो मैंने अगेन इसे पोर अपने टी जोन पे, नेक टी जोन पे, नोज़ पे अच्छे से अप्लाई कर दिया है। अब मैं यूज़ करूँगी फेसेस कैनेडा का 3-in-1 फाउंडेशन। ये फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा नेचुरल फिनिश देता है एंड कंसिस्टेंसी भी इसकी काफ़ी थिन है, सो इसीलिए ना ये एकदम स्किन लाइक फिनिश देता है। जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ऐसा केकी एंड पूरा ऐसा मास्क जैसा फील नहीं देता है ये फाउंडेशन, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। एंड मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है एक वेट सा, एंड उसी से मैंने अप्लाई करके मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। नेक में फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ, नेक में मैं एंड में करूँगी। एंड अच्छे से मैंने इसे ब्लेंड किया है ऑल ओवर माय फेस। देन मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी कंसीलर। इसमें मैं मोस्टली सारे स्विस ब्यूटी के अभी प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली हूँ, जो रिसेंटली ही मुझे मतलब मेरे पास आए थे। सो मैंने ये कंसीलर ना अपने टी जोन पे एंड सारे हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे अप्लाई किया है। एंड मोस्टली मैं यह चीक बोन्स पे भी अप्लाई करूँगी टू शो जो मतलब एकदम शार्प जॉ लाइन दिखाने के लिए, बिकॉज सारा अली खान का जो फेस है वो काफ़ी चिजल्ड है एंड उनका फेस स्ट्रक्चर ही मतलब मेरे फेस से काफ़ी अलग है। बट जितना मैं दिखा सकती थी उतना मैं कर पाई, मतलब किया मैंने। तो अंडर आइज़ को मैंने अच्छे से उसे ब्लेंड किया है अब पूरे फेस पे। देन मैं यूज़ करूँगी ये कॉम्पैक्ट पाउडर बेल्लोरा पेरिस का, एंड जो भी वाइटेज दिख रहा है ना वो कॉम्पैक्ट से अच्छे से कवर हो जाता है। सो आप कभी भी इतना टेंशन मत लेना कि बहुत ज़्यादा वाइट हो गया है, पाउडर एंड कॉन्टोर से सारा बैलेंस आउट हो जाता है। तो मैंने फ्लफ़ी ब्रश की मदद से सारे कंसीलिंग एरियाज पे अच्छे से प्रेसिंग पोजिशन में पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। एंड सिंस मुझे काफ़ी ऑयल छूटता है, सो मैं पूरे फेस पे भी पाउडर अप्लाई करूँगी अच्छे से। एंड अब मैं यूज़ करूँगी ये स्विस ब्यूटी का चीकबू फेस पैलेट, एंड इसमें से ब्लश का शेड जो है वो सेंटर वाला है, बट मैंने ब्लश एंड कॉन्टोर दोनों को मिला के ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो सारा अली खान का ब्लश बहुत ही ज़्यादा नेचुरल न्यूड ब्राउनिश लग रहा है, एकदम पिंक एंड ऑल नहीं है। सो इसीलिए मैंने दोनों को मिला के देख सकते हो आप, परफेक्ट शेड बन गया है एंड अच्छा भी लग रहा है। ये एक न्यू ट्रिक मुझे अभी पता चली है जो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। एंड हाइलाइटर काफ़ी ज़्यादा अप्लाई किया है सारा अली खान ने, उसका नोज़ देख सकते हो आप पूरा शाइनी शाइनी है। तो अच्छे से हाइलाइटर, जितना हाइलाइटर अप्लाई कर सकती हूँ उतना मैं करूँगी आज, क्योंकि वो फोटोग्राफी में भी उनके फ़ोटो इसीलिए इतना अच्छे आते हैं क्योंकि वो हाइलाइटिंग बहुत अच्छे से करते हैं। तो एंड नोज़ को भी मैं कॉन्टोरिंग करूँगी, बिकॉज उसका नोज़ भी काफ़ी ज़्यादा शार्प लग रहा था। जॉ लाइन अच्छे से शार्प करूँगी मैं। तो अब मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी 12 अल्ट्रा प्रोफेशनल आई शेडो पैलेट, एंड इसमें आप देख सकते हो ये परफेक्ट आई शेडो पैलेट है फॉर दिस लुक। एंड फर्स्ट मैंने लिया है ये ब्राउन, डार्क ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन शेड, एंड मैं इसे अपने आउटर कॉर्नर से ट्रांजिशन शेड से क्रीज लाइन से लेके ऊपर तक लेके जाऊंगी। एंड सारा अली खान ने इसमें एक कट क्रीज किया हुआ है जो थोड़ा सा सिल्वर गोल्डन सा दिख रहा है, एंड आउटर कॉर्नर ब्लैक है, तो जेट ब्लैक करने के लिए मैंने ये ब्लैक शेड लिया है। इसमें मैं काजल भी यूज़ कर सकती थी, बट जो आई शेडो में अवेलेबल था इजीएस्ट
वो मैंने किया है। तो आप देख सकते हो एक छोटा सा ब्रश लेके मैंने ब्लैक कर दिया आउटर कॉर्नर एंड उसे ब्लेंड कर दिया है। अब मैंने सेम कंसीलर लेके मैं अब करूँगी कट क्रीज, बिकॉज उसका कट क्रीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा था, सो इसीलिए मैंने भी कंसीलर अप्लाई किया है। एंड मैं उसे ब्रश की मदद से अच्छे से स्प्रेड आउट करके एक फ्लफ़ी ब्रश लिया है, उससे मैं पाउडर लेके उसे सेट करूँगी। ये ब्रश से मैं भी उसे अच्छे से ड्राई एंड सेट करूँगी। देन ये फर्स्ट शेड है जो दिखता सिल्वर वाइट है, बट अप्लाई करने के बाद वो गोल्डन टर्न आउट होता है, तो वो मैं अपने पूरे कट क्रीज एरिया पे अप्लाई करूँगी। एंड सेम ब्राउन शेड मैं अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी एंड ब्लैक काजल अप्लाई करूँगी। ये भी स्विस ब्यूटी का है आई थिंक सो, एंड देन नहीं नायका का है ये, एंड इसे भी मैं थोड़ा सा स्मच करूँगी बिकॉज उसका थोड़ा सा स्मोकी सा आई लुक है ये, सो यस। देन इसके बाद अब मैं यूज़ करूँगी आईब्रो फिलर, एंड आईब्रोज़ भी उसके ना सारा अली खान के काफ़ी ज़्यादा बुशी थे जो आप बोल सकते हो, एक एक बाल उसका ना अलग से वैक्स से सेट किया हुआ था। बट मैं यहाँ पे क्या करूँगी, पहले तो मैंने आईब्रोज़ फिलर से अप्लाई किया है, आईब्रो फिल किया है। ये ब्लू हेवन का आईब्रो फिलर है, बॉर्डर करके मैंने गैप्स को फिल इन किया है। एंड देन मैं एक स्पूली लूँगी एंड स्पूली की मदद से अपने जो आईब्रो के हेयर है उनको कोम करके थोड़ा सा ऊपर के डायरेक्शन में इस तरह से रखूँगी ताकि वो थोड़े से बुशी लगे, सेम एज सारा अली खान। जो आप देख सकते हो मैं ऊपर की तरफ उसे कोम कर रही हूँ, जो काफ़ी अलग सा लुक देता है। देन मैंने लिया है आईलाइनर एंड आईलाइनर अप्लाई किया है, उसने आईलाइनर भी काफ़ी प्रोमिनेंटली दिख रहा है सारा अली खान के लुक में। अब मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का मस्कारा, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड वाटरप्रूफ मस्कारा है, सो यस। वैसे तो मैं लैशेस लगाऊंगी बट फिर भी मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। एंड लास्टली मैंने अगेन स्विस ब्यूटी की लिप क्रीम लिपस्टिक ली है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगती है मुझे ये क्रीम एंड परफेक्टली जा भी रही है ऑन दिस लुक एंड सारा अली खान पिक्चर। एंड इसे अप्लाई करने के बाद मैंने एक लिप ग्लॉस से उसे टॉप अप करूँगी क्योंकि ये ग्लॉसी सा उसका लिपस्टिक और दिख रहा है मुझे, तो यस ये माइग्लैम का लिप ग्लॉस है, मैंने इसे अच्छे से टॉप अप किया है एंड परफेक्ट लुक निकल कर आया है ये, सो यस। ये रहा मेरा फाइनल फिनिश लुक आफ्टर अप्लाइंग आईलैशेस एंड आई जस्ट लव दिस लुक। ऑब्वियसली उसका और मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा अलग है बट मेकअप लुक तो काफ़ी सिमिलर है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सो डू लेट मी नो अगर आपको ये लुक कैसा लगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।